भारत और अमेरिका से हारने के बाद पाकिस्तान की टीम काफी हताश हो गई है। रविवार को आयरलैंड के खिलाफ खेले मैच में भी पाकिस्तान की हालत पस्त थी। बता दें कि इस मैच के दौरान स्थिति यह थी कि लगभग मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल चुकी थी। टीम के साथ बैटर्स पहले ही आउट हो चुके हैं, लेकिन अचानक पाकिस्तान की किस्मत पलटी और पूर्वक कप्तान एक्शन में आकर तीन गेंद में ही मैच का रूप पलट दिया, जिससे पाकिस्तान की टीम को T20 वर्ल्ड कप में दूसरा जीत मिला। हालांकि इस जीत के बाद भी वह सुपर 8 में शामिल नहीं है। पाकिस्तान का टूर्नामेंट का सफर यहीं खत्म होता है। मैच की बात करें तो आयरलैंड की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए फ्लोरिडा की आसान पिच पर 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 104 रन बनाए। हालांकि फ्लोरिडा की पिच पर बाकी सभी टीमों को रन बनाने में काफी मुश्किल हुई, लेकिन इस मैच को लेकर मानो लगा पाकिस्तान अलग ही जोश में है। पहले तो पाकिस्तान ने मैच 62 रन में 6 विकेट गवा दिए। मोहम्मद रिजवान और सैम आयुब 17-17 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन बाबर आजम अंत तक डटे रहे। उन्होंने बेहद धीमी गति से बैटिंग करते हुए 34 गेंदों पर 32 रन बनाए। हालांकि दूसरे छोर से किसी भी बैटर ने बाबर का साथ नहीं दिया, एक के बाद एक आउट होते चले गए, लेकिन एक और बाबर ने अपनी कमान संभाले रखी और धीरे धीरे रन बनाते रही। वही अब्बास अफरीदी ने जैसे तैसे 45 रन तक मैच को पहुंचाए, लेकिन फिर अब्बास आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद पूर्व कप्तान शाहीन शाह अफरीदी बैटिंग के लिए मैदान में उतरे। शाहीन ने पाकिस्तान सुपर लीग में बेहतर प्रदर्शन किया था, इसके बाद उन्हें पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज के दौरान टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था। फिर पाकिस्तान की खराब प्रदर्शन को देखते हुए T20 वर्ल्ड कप से पहले फिर से बाबर आजम को टीम का कप्तान बना दिया गया।